दोस्तों, जिस खबर का इंतजार काफी लंबे समय से हर भारतीय को था, आखिरकार वो खबर फ्रांस से सामने आ गई है। इस समझौते को लेकर काफी लंबे समय से भारत और फ्रांस की बातचीत चल रही थी और इस समझौते के दायरे में आने वाले कई क्लोज को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन फाइनली अब दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। फ्रांस से आई इस अहम खबर के ऊपर तो हम बात करेंगे ही, इसके साथ ही 5G तकनीक, जिसको लेकर पहले भी हमने आपको अपडेट दी थी, अब इसमें सेना को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच काफी लंबे समय से एक जॉइंट डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत चल रही थी, जो कि 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने के लिए था। आपको बता दें कि अभी यह बातचीत फाइनल फेज के अंदर जा पहुंची है। फ्रांस की कंपनी सेफ्रन और भारत की कंपनी गैस टरबाइन रिसर्च स्टेबलाइजमेंट अब अपनी नेगोशिएशन को फाइनल टच देने जा रहे हैं। वहीं पर खबरों की माने तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर फाइनल बातचीत चल रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसका डिसीजन सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि भारत इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, मगर इससे पहले जो विवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच वो जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वे राइट्स होते हैं जिनकी वजह से सारी टेक्नोलॉजी किसी देश के पास होती है और वह देश जैसे चाहे इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है। और इसी मुद्दे के ऊपर दोनों कंपनीज के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब खबर निकल कर आ रही है कि इन दोनों कंपनीज ने इसका कंबाइंड सॉल्यूशन निकाल लिया है। दरअसल भारत इसके कोर इंजन के आईपी राइट्स इसलिए चाहता है क्योंकि मुख्य तौर पर इसमें जो भी डेवलपमेंट्स किए जाते हैं वे इसके कोर इंजन के अंदर ही होते हैं, साथ ही बहुत से क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी कोर इंजन के अंदर ही होते हैं और भारत को सबसे ज्यादा परेशानी कोर को डेवलप करने में ही थी। इंजन तो भारत ने काफी हद तक डेवलप भी कर लिया था और अब इसी के सॉल्यूशन के तौर पर सेफ्रन कंपनी भारत को ये राइट्स देने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को इस तरह होगा जैसे भारत अगर किसी देश को अपना फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करता है और बदले में उसे इंजन की टेक्नोलॉजी देनी पड़ती है या फिर कोई ओवरऑल फैसिलिटी लगाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो भारत को फ्रांस की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पर इसके अलावा भारत के और भी लोकल प्रोग्राम्स है जिसमें वह UCAV यानी अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल बना रहा है, जिसमें वह कावेरी इंजन का एक डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल करेगा। भविष्य में नए फाइटर जेट इंजन में भी ऐसे बदलाव करके इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। तो ऐसे में सेफ्रन की तरफ से इस इंजन के फ्यूचर वेरिएंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत फाइनली चाहता है कि 130 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन भी बने जो 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। अभी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर जनरेट करने वाले इंजन की बात करें तो इसका इस्तेमाल हमारे एमका जो कि न्यू जनरेशन फाइटर जेट होगा इसके अंदर होना है और बाद में इसे तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डैग बेस्ड फाइटर जेट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इस प्रोग्राम के तहत भी कम से कम 1000 ऐसे इंजन की जरूरत होगी अगले 20 से 30 सालों के अंदर। रिपोर्ट्स के अनुसार सेफ्रन कंपनी शुरुआत में 3 कोर विकसित करेगी और 4 प्रोटोटाइप इंजन विकसित करेगा। कुल मिलाकर हमारे सामने एक अच्छी खबर फ्रांस से इंजन को लेकर आई है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, 5G कनेक्शन के आ जाने से जिंदगी कितनी आसान हो सकती है और हमें कितनी सुविधाएं मिल सकती है इसका अंदाजा तो हर किसी को होगा। यह तो हमें पता ही है कि इस कनेक्शन के आ जाने से नेटवर्क कनेक्टिविटी तेज हो जाएगी, सेना को भी मदद मिलेगी, मगर इस दिशा में अब काम भी बहुत तेजी से शुरू हो रहा है। दरअसल भारतीय सेना और IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से एक साझा सहयोग किया जा रहा है जो कि 5G के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। खबर यह है कि 5G टेस्ट बेड को मध्य प्रदेश के मऊ में सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। इस 5G टेस्ट बेड की सुविधा भारतीय सेना को विशेष रूप से बॉर्डर एरिया में उपयोग करने के लिए दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक IIT मद्रास के सहयोग से मऊ में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग द्वारा 5G टेस्ट बेड की स्थापना होगी। मद्रास में एक समारोह में MSCTI और IITM के बीच इसे सुगम बनाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। इस कदम से भारतीय सेना की मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य टेक्निकल इक्विपमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे पहले भी 5G को लेकर भारतीय कैबिनेट कमेटी ने सहमति दे दी है। वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी दे दी गई है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है जिससे भारतीय सेना भी आने वाली 5G कनेक्टिविटी का लाभ सही समय पर उठा सके और तरक्की ऐसे ही बढ़ती रहे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।